कहते हैं कि जब भी कोई ज़िंदगी को रिस्क पे रखता है तभी वो जाके अगले की ज़िंदगी बचाता है। जैसे जब एक माँ गर्भवती होती है उस टाइम उसे इतने दर्द झेलने पड़ते हैं, बहुत परेशानियाँ होती है, तब जाके वो कहीं एक नवजात को जन्म देती है। वैसे ही मेरी किडनी फेल हुई, मेरी ज़िंदगी खतरे में थी और पापा ने अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के, अपना अंग मुझे दे के, अपनी किडनी मुझे दे के मुझे भी एक नई ज़िंदगी दी है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह व्लॉग्स। वेल, आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो रखने जा रही हूँ जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोगों ने अरे रिक्वेस्ट किया था कि वो डोनर के साइड से कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए आज की वीडियो है बहुत ही खास। आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने फादर इन लॉ पापा से, जो कि मेरे डोनर हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ पापा की दिनचर्या, उनकी रूटीन, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और मिलवाते हैं आपको पापा से, वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से हैं, सब कुछ, और उन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें, जितनी भी कन्फ्यूजन है आपकी, सारी दूर होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे कि हमें आगे अपने ब्लॉग को बनाने में मदद मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके सामने रख सके। और मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ही आपके सामने रखूँ, ताकि आप सबको किसी भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि ट्रांसप्लांट वेद क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरी पूरी यही कोशिश है, जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूँ। सो गाइज, देखते रहिए मेरा वीडियो।
चंदौली हो गया। फिर उसके बाद हम 80 में चले गए गोरखपुर, वहीं कारोबार करते हुए वही कितना कालों में मैं काम बना कर उसके बाद मेरे साथ इस समय नोएडा और दिल्ली अभी आपके ऑपरेशन मतलब सर्जरी को 1.5 महीने हो गए, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पहले से जैसा था वैसे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब अचानक से जब आप लोग को पता चला कि किडनी फेल हो गई है मेरी, और उस टाइम जब डॉक्टर ने बोला कि अब मतलब ट्रांसप्लांट के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, या तो मैं डायलिसिस पे रहूं, तो उस टाइम सडनली आप लोगों ने कैसे मतलब सोच लिया कि हाँ ट्रांसप्लांट हमें करवाना है? क्योंकि सबको पता है कि ट्रांसप्लांट छोटी चीज़ नहीं है। और तो ये तो भाई पता है, लेकिन ये भी तो है कि तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए, तो उसके लिए भाई कोई ये तो नहीं सलूशन था कि डायलिसिस होता रहे। इसका तो सलूशन था कि तुरंत जल्द से जल्द इसका, चूँकि किडनी को दूसरी लग जाए कि वो नॉर्मल जो जितना बचा है वो भी रहे और ये भी काम करे अलग से। यानी आपके हिसाब से डायलिसिस सलूशन नहीं है, ट्रांसप्लांट ही सलूशन है? एकदम वही चीज मैंने एकदम पक्का और श्योर है। डायलिसिस तो भाई चलता रहेगा, मरीज का वैसे ही दिक्कत रहेगी, उसकी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये अगर किडनी उसमें हो गई, सक्सेस हो गई एकदम पूर्ण रूप से, तो जो पहले की किडनी है वो जितना बचा है वो भी कार्यरत हो सकती है, फिर वापस भी हो सकती है। कई केसों में ऐसा देखा गया है। अगली ये बात हो जाती है कि मतलब आजकल जब हम लोग हॉस्पिटल ही जाते थे, देखते थे कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर चीज़ होता है, इवन उनको पैसे की भी सोचनी नहीं पड़ती है, उनका कुछ नहीं सोचना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे कोई किडनी देने वाला नहीं रहता है उनको। तो ऐसे लोगों से के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरे केस में ही हुआ, मेरा हम लोग के पास ही सोल्यूशन था, लेकिन मम्मी पापा का ब्लड मैच नहीं किया, तो उस टाइम अचानक से मतलब बिना कुछ सोचे समझे जैसे आप आ गया है, तो ऐसे में आप औरों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग इतना सोचते हैं? उनको भाई कुछ नहीं सोचना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कई लोग केस में हम देखे हैं, हमारे मित्र के भाई का था, उनकी मदर दी थी और पहले हर समय बीमार रहती थी, महीना दो महीना पे उनको ले आ करके डॉक्टर को दिखाना पड़ता था, लेकिन PGI में लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ था और जब किडनी दे दी अपने बेटे को, उसके बाद से दवा तो चली, कुछ दिन चली, फिर उसके बाद तो वो बल्कि लग रहा था कि देने के पहले कि बहुत कम दिन जिए, लेकिन अच्छा खासा वो सर्वाइव की 90-95 की उम्र में होकर के मरी वो। वो ऐसी कोई बात नहीं है कि देने में कोई हिचक या वो होना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। तो सर्जरी वाले दिन आपको मतलब कैसा लग रहा था? यूजली जब आप अपने आदमी ऑपरेशन थिएटर देखता है तो सबको थोड़ा घबराहट सी होती है। नहीं, कोई घबराहट नहीं। पहले बार जब एडमिट हुए थे, और चूँकि ये पता चल गया कोरोना हो गया है, तब थोड़ा सा हताशा महसूस हुआ, लेकिन ऊपर वाले की दया से एक महीना में सब लोग ठीक ठाक हो गए, जबकि पूरा भर और नहीं तो अपने। तो उस टाइम आपको मतलब डर नहीं लगा कि पता नहीं हम जल्दी रिकवर होंगे कि नहीं, हम दे पाएंगे या नहीं? फिर यही डर लग रहा था अंदर से कि भाई कहीं दिक्कत हमको ज़्यादा दिन तक हो गया, तो ये जो काम है जल्दी से जल्दी होना चाहिए और डिले होता जा रहा है।
जैसे 6 महीना तो कोविड की वजह से ही डिले हुआ। जैसे अभी आपने बताया कि आप बनारस के हैं, काशी के, तो वहाँ मतलब एक लोग कहते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं बहुत सोचते हैं कोई चीज़ को लेके, और खासकर आजकल ट्रांसप्लांट जैसी मतलब अपना अंग किसी को देना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या आपके किसी ने कभी मतलब ये नहीं कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ? कोई ऐसा कुछ नहीं, ये जो भी अगर महसूस हुआ कहा गया तो डॉक्टर ही वहाँ पूछे या कहे कि आप स्वेच्छा से कैसे, तो इसके लिए मैंने कोई वो रहा नहीं दिमाग में। और जब हम अपना परिवार देख रहे हैं कि हमारे अलावा मान लीजिए हमारे 2 बेटे हैं, वो भी उनका भी ब्लड ग्रुप मिल रहा था, दोनों तैयार थे, लेकिन हमारा एज हो चुका है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले आ गए हैं उसके बाद कोई आपकी एज पापा 61 है, लोग कहते हैं 60 के बाद अधिकतर डॉक्टर किसी की किडनी नहीं लेते हैं, तो आप मतलब कैसे देने में सक्षम रहे? ऐसा तो नहीं कोई, हम वही बता रहे हैं जो हमारे मित्र के मदर का दिया गया था, वो 80-85 की थी और वो 95 में जाकर के वो डेथ की, 10 साल देने के बाद भी 10-12 साल वो जिंदा रहे। तो कितने लोग वही कन्फ्यूजन है कि कैसे मतलब दे, ऐसी कोई वो नहीं है कि ज़्यादा एज, और भी जो डॉक्टर टेस्ट किए थे हर चीज़ हमारा ओके आया था। भाई वो तो दिक्कत होती है जो मैंने नौजवान का भी, जैसे तुम्हारा ही भाई हमारे बहू का अभी 30-31 साल एज है, किडनी खराब होना, जो भी हमारे लोग मैंने जाने वो खुद घबरा गए कि अरे इस एज में, तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है। आपके हिसाब से बस मतलब इंसान को स्वस्थ होना चाहिए बाकी किसी भी उम्र का हो। कई केस देखा गया, हमारे ससुर जी खुद 105 साल करके होके मरे, उनका भी हर चीज टेस्ट वगैरह जहाँ डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो कोई हार्निया का ऑपरेशन हम उनका कराए थे, उनका और एक ऑपरेशन हुआ था कुंडा का, हड्डी का हुआ था, सब डॉक्टर परेशान हो जाते थे, लेकिन जब उनका टेस्ट होता था तो हर चीज़ ओके रहता था। और वो 1 हफ्ते स्टील का वो लगाया गया है तो उसको सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा हमको खड़ा कर दो, तो डॉक्टर खुद आश्चर्य किए कि 95 साल का आदमी और 1 हफ्ते में कुल्हे की हड्डी, नौजवान भी 1-2 महीना के बाद खड़े होने के लिए सोचते हैं, 1 हफ्ते में खड़े होकर आजमा ली, तो ऐसी कोई बात नहीं, अपने हर टेस्ट सही होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। जी बस पापा यही है कि कुछ एक तरफ होता है फाइनेंशियल फिजिकल जो भी होता है एक तरफ होता है, लेकिन खुद का शरीर का अंग निकाल के दूसरे किसी को देना बहुत बड़ी बात है, खुद में वो खुद के लिए गर्व सी बात होती है कि हम किसी के इतने काम आए हैं। और तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिए हैं, तो अगर 2 शब्द उन लोग के लिए आप कुछ कहेंगे? ऐसा कोई धन्यवाद नहीं कि हम तीसरे के लिए तो किए नहीं, अपने परिवार के लिए किए हैं। अगर हम तीसरे के लिए भी तत्पर रहते, हमारी श्रीमती जी तो उनके 4 भाई थे और उनके बच्चों का मैंने सब डिलीवरी हुई तो उन्हीं के देख रेख में हुई, और हम लोग हमारे बगल में एक नेपाली परिवार रहता था, उसके हस्बैंड रेलवे में सर्विस करते थे, वो बाहर गए थे, उसको 11 बजे रात में पेन शुरू हुआ, तो ये खुद बच्चों की हमारे बच्चे छोटे थे तो हम घर पे रहे और उनको ले करके 11 बजे रात में, जबकि गोरखपुर में ऐसा एरिया माना जाता है कि 8 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, और उस समय वो लेके हॉस्पिटल गई और 3 दिन बाद उसके हस्बैंड आए, तब वहाँ हॉस्पिटल से ये अपने बच्चों हमारे घर में आई। तो हम लोग तो दूसरे तीसरे के लिए भी आदमी खड़ा रहता है, ये तो परिवार है।
उसमें हम कर दिए तो कोई धन्यवाद और बहुत वो चीज़ नहीं है, लेकिन शुभचिंतक अगर कह रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपके जो चैनल के दर्शक और वो शुभचिंतक हैं उनके लिए आज बड़े भैया कृष्ण भगवान का जन्मदिन और कल स्वयं मनमोहन मुरारी का जन्मदिन, सबको मुबारक भाई। और इसको सब्सक्राइब करने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर हर महादेव। बम बोले बोले महादेव। जैसा कि आपने देखा अभी पापा ने इतना सारे प्रश्नों के बहुत अच्छे से जवाब दिए और उन्होंने उन्हें कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर कंसेंट की रजामंदी नहीं होती है, कंसेंट यानी कि अगर जैसे मेरे फादर इन लॉ ने दी है तो उनकी वाइफ को हम कंसेंट बोलेंगे, तो कंसेंट की रजामंदी से ही आगे के प्रोसेसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि मम्मी का भी पूरा सपोर्ट रहा है, अभी वो ही सारा कुछ करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक हिडन रोल रहता है। हम सब कुछ याद रखते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो हमें बनाता है खिलाता है हमारी ख्याल रखता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने बस धीरे से ये उम्मीद है कि आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि पापा की एज क्या है, डोनर जब किडनी डोनेट करता है तो क्या वो हेल्दी रहता है या नहीं रहता है। सो आई थिंक आप सबके जवाब मिल गए होंगे और अच्छा लगा होगा ये देख के कि पापा ने जैसे बनारसी लुक में बोला वो सब। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक कमेंट अपना दीजिए कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग हमारा, और क्या आपके कन्फ्यूजन अगर कोई क्वेश्चन है आपको मेरे किसी भी ब्लॉग को लेके तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ के, मैसेजेस पढ़ के। तो गाइस हमेशा की तरह थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपने चैनल जब भी मैं ब्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो Have a good day and सबको जय श्री कृष्ण। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट ज़रूर हमें दीजिए। सो बाय बाय।